नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। इस वक्त की खबर है सुमेरपुर से, जहां एक किशोर का अपहरण हो गया मगर पुलिस अभी तक उसको ढूंढ पाने में नाकाम है। जी हां, ये खबर है सुमेरपुर तहसील के नेदरा गांव के मनोहर राजपुरोहित के अपहरण की। और इस मामले में भाजपा पशुपालक प्रकोष्ठ जिला उपाध्यक्ष ज्योताराम देवासी राणा ने सीबीआई जांच की मांग की। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि मनोहर राजपुरोहित 23 नवंबर 2016 को अपने घर से फालना में क्लासेस के लिए गया था और यहां से उसका अपहरण हो गया। इस घटना को लेकर थाने में रिपोर्ट भी करवाई गई, लेकिन नतीजा सिफर है। आज तक राजपुरोहित को नहीं छुड़वाया जा सका। इस प्रकरण को लेकर सामाजिक संगठनों द्वारा भी समय समय पर कई बार प्रशासन के माध्यम से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से युवक को छुड़वाने के प्रयास किए गए, लेकिन कोई परिणाम निकल नहीं पाया। मनोहर अपने ही परिवार में तीन बहनों का इकलौता भाई है। इसके मिलने की आस में परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस प्रकरण में पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा सीआईडी जांच भी शुरू करवाई गई थी, लेकिन अपहरण के चार साल बीत गए हैं लेकिन अभी भी कोई सुराग नहीं लगा है, जिसके चलते उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसको लेकर यही कहना है, पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया, हमें सिर्फ गुमराह किया है 4 साल में। और मम्मी पापा की हालत देख सकते हो कैसे। मुझे मेरा भाई चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। एक आरोपी जिसे मुझे देखना है, कौन है ऐसा वो जिसने पैसों के लिए एक भाई को खो दिया। मुझे मेरे भाई को मिला था, बाकी मुझे कुछ भी नहीं कह रहे। और मेरे माँ बाप के लिए, सिर्फ एक भाई के लिए मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, पूरे समाज वालों को, पूरी जनता को और पूरे विश्व का, जिसने भी मेरे को सपोर्ट किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और मुझे मेरे भाई के लिए एक सीबीआई करवा दो, बाकी मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, जिसको न्याय मिल सके और हमें हमारा भाई मिल सके, भले किसी भी हालत में वो होगा हमें मंजूर है या नहीं है, कोई भी हो, लेकिन हमें हमारा निवारण चाहिए कि किसने ये हरकत की है ऐसी। आपके कितने भाई है? मेरा एक ही भाई था सर जी, और तीन बहने है। तीन बहने, बोलो। 23/11/2016 की बात है, जब मेरा बच्चा मनोहर राजपुरोहित एडुको कोचिंग क्लासेज फालना, हमेशा की तरह एडुको कोचिंग की हमारी ये जो बस है, बस से सुबह में गया, यहाँ से बस में बैठा और उनको वापस घर आना था, तो आज दिन तक वापस कोई घर नहीं आया। उसके बाद में 12-13 दिन के बाद में कोई अज्ञात व्यक्ति ने मेरे मेन गेट के आगे बैग फेंक के गया, फिरौती का धमकी भरा पत्र भी लिखा, तेरा बच्चा मेरे कब्जे में, जैसा कहता हूँ वैसा करता जाए। उसके बाद में पुलिस प्रशासक से बोला कि कैमरे लगाओ, तो कैमरे लगे, तो उसके बाद में यहाँ चिट्ठियाँ बंद की। उसके बाद में स्कूल और स्कूल के परिसर के आसपास में फिरौती मांगी कि वहाँ आओ। उसके बाद में फिर जोधपुर बुलाया, उसके बाद में ट्रेन में भी बुलाया, कम से कम लगभग आठ या नौ फिरौती के पत्र प्राप्त हुए। उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली, उसके पूरे हाईकोर्ट के भी हाथ खाली और जिला मुख्यालय के भी हाथ खाली, आज दिन तक कोई हमको न्याय नहीं मिला। और पुनः मैं मुख्यमंत्री अशोक जी से भी निवेदन करूंगा कि मेरा मनोहर का जो मामला है, अपहरण मामला, तो अब सीबीआई जांच दिलाने की कृपा करावे। और इससे आगे तो बोलने की भी ऐसी हिम्मत नहीं है कि मैं बोल सकूँ। पुनः मेरा निवेदन है कि सीबीआई जांच से मुझे न्याय मिलेगा और आप न्याय दिलाओ। ये पाली जिले की घटना है नेत्रा गांव की। लगभग 4.5 साल हो गए मनोहर अपहरण को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन और राजनेता चुप बैठे हैं। इस जो परिवार के साथ जो घटना घटी है वो 4.5 साल हो गए हैं। मनोहर राजपुरोहित पाली जिले के नेत्रा गांव का निवासी था, उसका किसी अज्ञात व्यक्तियों ने उसका अपहरण कर लिया था। अपहरण कर लेने के बाद उस लोगों ने, उस मनोहर के परिवार वालों ने उसको फ़ोन किया और 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी। फिर इस पीड़ित परिवार ने वहाँ पे 25 लाख रुपए लेके गए, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। तो सभी समाज इस मामले को लेकर काफ़ी रोष में है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इसकी जल्दी सीबीआई जांच करा के जो मनोहर के पीड़ित परिवार है उनको न्याय दे, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और सतीश कहूँ धरने पे प्रदर्शन पे बैठेगी। इसका स्वयं जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन व राजस्थान सरकार की होगी।
एक सोचने वाली बात है, इस मामले को लेकर 4.5 साल हो गए, अभी तक कोई भी सुराग और खुलासा नहीं हुआ इस मामले का। इसके लिए पीड़ित परिवार काफी दुखी है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देखने वाली बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की आंख 4 साल बाद भी खुलती है या नहीं, या युवक इस 16 वर्षीय किशोर की जो अपहरण की घटना है, अब तक तो युवक हो गया होगा, इसके मामले में कोई सुराग मिलता है या नहीं। निर्मला राव को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़, हमेशा सच के साथ।